मान गए ना वसीम खान की ताकत को? गौर से सुनो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना ये मुल्क आजाद रहेगा और ना ये आजाद। अब तू गौर से सुन, ये आजाद रहे ना रहे, लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा। जानता तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि शंकर सिंघानिया तुझ जैसों का एजेंट है, और आज उसने तेरी रिहाई के लिए सरकार को धमकी देकर खुद साबित कर दिया कि वो देशद्रोही है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं।